रामायण के युद्ध में एक से बढ़कर एक योद्धा थे, चाहे वो श्री राम हो, रावण हो या फिर लक्ष्मण। लेकिन आज हम अपनी इस वीडियो में श्री राम की वानर में मौजूद सर्वशक्तिशाली वानरों के बारे में जानेंगे और देखेंगे कि कौन से ऐसे वानर थे जो श्री राम की सेना में, जिन्होंने अपनी बल बुद्धि से रावण के विरुद्ध जीत पाई थी। और इस रोचक जानकारी को जानने के लिए जानते हैं क्या है आगे इस वीडियो में। सबसे पहले बात है नल और नील वानर की, जिनकी वजह से सेतु का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया। रावण की लंका तक पहुंचने का सबसे जरूरी सफर था विशाल समुद्र को पार करना, और इसका तोड़ था सिर्फ सेतु का निर्माण। और इसका निर्माण दो वानर योद्धाओं नल और नील की मार्ग निर्देशन में हुआ था। यह सोचने वाली बात है कि नल और नील को ही क्यों चुना गया था सेतु के निर्माण के लिए। तो हम आपको बता दें कि एक प्रचलित कथा के अनुसार नल और नील जब छोटे थे तो ऋषि मुनियों को बहुत परेशान करते थे और अक्सर उनकी चीज़ों को समुद्र में फेंक दिया करते थे। इन दोनों बच्चों से परेशान ऋषि मुनियों ने तंग आकर इन्हें शराप दिया था कि जो भी चीज़ यह पानी में फेंकेंगे वह डूबेगी नहीं। जब श्री राम समुद्र देवता की तपस्या से तंग आके समुद्र सुखाने का प्रयास कर रहे थे तो समुद्र ने प्रकट होकर श्री राम को बताया कि आपकी सेना में नल नील नाम के वानर हैं। वो जिस चीज को हाथ लगाते हैं वह पानी में डूबती ही नहीं है। आप समुद्र पर सेतु बनाने के लिए इन दोनों की मदद ले सकते हैं। और ऐसा सीता माता को वापस लाने के कार्य में नल नील ने सबसे महत्वपूर्ण किरदार निभाया है। दूसरे हैं सुग्वीर। अपने भाई बाली के तरह वह भी शारीरिक तौर से बलशाली थे। उन्होंने कुंभकर्ण के पुत्र कुंभ का वध किया था और तो और रावण के भाई महोदर को भी मृत्यु के घाट उतारा था। सुग्वीर और कुंभकर्ण के बीच भयंकर युद्ध हुआ था और उन्होंने कुंभकर्ण के नाक और कान को काट दिया था। उन्होंने सिर्फ मुष्टिका के प्रहार से ही विरूपाक्ष राक्षस का वध किया था। तो इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि अगर सुग्वीर पूरा जोर लगाते तो क्या होता। सुग्वीर का सुबेला पर्वत पर रावण से युद्ध हुआ था जिसमें उन्होंने रावण को थका डाला था। तीसरे शक्तिशाली वानर है अंगद। अंगद भी हनुमान जी की तरह पराक्रमी और बुद्धिमान थे। हनुमान जी और जामवंत जी की तरह ही अंगद भी प्राण विद्या में पारंगत था। इस प्राण विद्या के बल पर ही वह जो चाहे कर सकता था। राम की सेना में अंगद ने बहुत पराक्रम दिखाया था। सीता की खोज में वानरी सेना का नेतृत्व युवराज अंगद ने ही किया। संपाति से सीता के लंका में होने की बात जानकर अंगद समुद्र पार जाने के लिए तैयार हो गए थे, लेकिन दल का नेता होने के कारण जामवंत ने इन्हें जाने नहीं दिया और हनुमान जी को लंका भेज दिया। लंका में कोई ऐसा योद्धा नहीं था जो अंगद के पैर को हिला सके, जिसके बाद लंकापति रावण ने अंगद के पैर को खुद जाकर पैर को हिलाने का फैसला किया। लेकिन तभी अंगद ने पैर पीछे कर लिए और रावण को शिक्षा दी कि लंकापति रावण आप श्री राम के चरणों में जाएं और वहां माफी मांगे। अंगद ही एक ऐसे वानर थे जिन्होंने रावण को घुटनों पर लाकर खड़ा कर दिया था। चौथे नंबर पर आते हैं बाली। वाल्मीकि रामायण किष्कंधा कांड सर्ग 10 में सुग्वीर बाली के पौरुष तथा प्रक्रम को बताते हुए कहते हैं कि बाली सूर्य उदय होने से पूर्व पश्चिमी तट से पूर्व समुद्र तक और दक्षिणी समुद्र से उत्तर समुद्र के किनारे तक घूम आता है, लेकिन इतनी दूर चलकर भी वह थकता नहीं है। वह महापराक्रमी बाली पर्वतों में चढ़ उनके बड़े बड़े शिखरों को हाथ से गेंद सा बनाकर उछाल कर फेंक देता है। वनों के बड़े बड़े वृक्षों को उखाड़ के फेंक देता है। एक समय दुबुम्बी नाम का विशालकाय पराक्रमी भैंसा, जो अपने शरीर में 1000 हाथियों का बल रखता था, अपने शारीरिक बल और वरदान के घमंड से वह किष्किंधा नगरी पहुंच गया। वह असुर भयानक भैंसों का रूप धारण किए हुए था। बाली ने उस पहाड़ जैसे आकार के दुदुम्बी के सींग को पकड़कर दूर फेंक दिया। बाली ने उसको इतने जोर से पटका था कि उसके कानों से रक्त बहने लगा। तदनंतर उन दोनों में घोर युद्ध हुआ। जब दुदुम्बी का साहस बल धैर्य और पराक्रम मंद पड़ गया तो बाली ने उसे फिर से जमीन पर पटक दिया और वहीं वो मर गया। बलवान बाली ने उसे मृत दुदुम्बी को उठाकर एक योजना दूर फेंक दिया था। आखिरी में आते हैं सर्वश्रेष्ठ हनुमान जी। श्री राम के परम भक्त हनुमान जी पवन देव के पुत्र थे। उन्होंने विशाल सूरज को निगलने का प्रयास किया था। हनुमान जी को ब्रह्मदेव ने वरदान दिया था कि उनपे ब्रह्मास्त्र का असर नहीं होगा। ब्रह्मांड में ईश्वर के बाद यदि कोई ऐसी शक्ति मानी गई है तो वह हनुमान जी को माना गया है। महावीर विक्रम बजरंग बली के समक्ष किसी भी तरह की मायावती शक्ति ठहर नहीं सकती है। तो बोलो बजरंग बली की जय। तो दोस्तों, ये थे रामायण के सर्वशक्तिशाली वानर। अगर वीडियो अच्छी लगी हो आपको तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें।